प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से मिले। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज हम मर नहीं गए। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। एक बाप और एक बेटा था। एक छोटा सा बच्चा बोल रहा मेले को देखकर, पापा पापा मेरे को मेले में लेके चलो ना, मेरे को मेले में लेके चलो ना। पापा को पता अपनी जेब का हाल। पापा को मालूम है कि मेरे जेब में कितने पैसे पड़े हैं। ना तो मैं बच्चे को कुछ मेले में दिला सकता, ना ही मैं झूला झूला सकता। लेकिन बच्चा बार बार जिद करता है, पापा 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 मेरे को मेले में लेके चलो ना, पापा देखो इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, दूसरे भी जा रहे हैं, मेरे को ये खाना है, वो खाना लेके चलो ना। तो पापा एक बात बोलते हैं बच्चे से, बेटा देख मैं तेरे को लेके चलूँगा, तू जिद मत कर, मैं तेरे को लेके चलूँगा, लेकिन मैं तुझे कुछ दिला नहीं सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस बच्चे को उसके पापा लेके चलते हैं, मेले के अंदर एंट्री करते हैं। तो वो ऐसा उसका ध्यान बड़े बड़े झूलों पे जाता है। कैसे छोटी सी एक नाव देखता है, पहले बोलता है पापा को, देख जिद करता है, पापा पापा नाव में झूलना, मुझे नाव में झूलना है, नाव में झूलना है। पापा उसको जल्दी से खींच लेते, बेटा बेटा नहीं 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 आगे चलते, आगे चलते, आगे आगे देखो और भी चीज़ें। फिर उसके बाद उसको कुछ खाने के लिए दिखाई देता है, जैसे कि कोई जैसे कुछ छोले भटूरे वगैरह हो गए। पापा मेरे को वो खाना है, पापा मेरे को वो खाना है। तो पापा बाप उसका अपनी बेट अपनी जेब में देखता है कि उसके बेटे के खिलाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। तो उसका पापा थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता है कि मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ यहाँ पर, मैं उसको एक रुपए की भी चीज़ नहीं दिला सकता। तो फिर उसके बाद फिर उसका उसके बाप है ना उसके बेटे को थोड़ा सा और आगे खींच के लेके चलता है। वहाँ देखता है कि शूटिंग हो रही होती है, जैसे गोली चलाते हैं, छोटे छोटे बंदे बंदूक चलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बंदूक चलाते हैं, बड़े बड़े लोग बंदूक चलाते हैं। तो वहाँ पर वो बोलता है पापा मैं भी करूँगा, पापा मैं भी करूँगा, पापा मेरे को भी गन चलानी है, पापा मेरे को भी गन चलानी है, मेरे को भी मारना है चिड़िया को, मारना है चिड़िया को, बॉल को मारना है बॉल को। तो उसका पापा वहाँ से उसको फिर से खींच लेता है। फिर उसके बाद उसको बड़े बड़े झूले दिखाई देते हैं, पापा मेरे को झूला झूलना है, झूला झूलना है, झूला झूलना है। फिर चलते चलते झूले के नीचे, झूले के बगल में एक खाने की दुकान होती है, जैसे बुढ़िया के बाल हो गए या कुछ खिलौने हो गए, छोटी छोटी गन्स हो गई, खाने पीने की इन चीज़ों की दुकान दिखाई देती है। तो वहाँ पर बिखर जाता है बिल्कुल, मेरे को खाना है, मेरे को लेना है, वो भी ले रहा है, देखो छोटा बाबू ले रहा है लाइट वाली गन ले रहा है वो, और देखो वो बुढ़िया की बाल खा रहा है बाबू, मेरे को भी खाना है, मेरे को भी खाना है। उसकी बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसका बाप है ना उस बच्चे को वहां से आगे लेकर चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो छोटा सा बच्चा थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक बहुत बड़ा झूला सर्कल वाइज होता है, उसको देखता है, हाँ इतना बड़ा झूला, उसको देखते 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 इतना हैरान हो जाता है, और उसको वो उसके घुमावट को देखता है, देखने में इतना खो जाता है कि उसका बाप से वो अलग हो जाता है, उसके बाप से वो अलग हो जाता है। उसका बाप देखता है अचानक ही, अरे कहाँ गया मेरा बेटा, भरी भीड़ होती है और मेले में कितने हजारों हजारों के हजारों लोग होते हैं, वहाँ पर बच्चों का तो नाम और निशानी नहीं दिखाई देता, भरी भीड़ के अंदर सबके सर ही सर दिखाई देते हैं, तो उसका बाप कहाँ ढूंढेगा। तो उसका बाप रोने लग गया, परेशान हो गया, भटक रहा इधर उधर, बहुत तेज से चिल्ला रहा, बेटे अपने बेटे को आवाज मार रहा, और बेटा उस झूले को देखकर आगे चले जा रहा, आंखें खुली हुई, बड़ा खुश हो गया, अचानक आगे चले जा रहा, झूले के गेट के पास खड़ा होके आया, उसको देख रहा, पहले तो ऊपर की तरफ देख रहा, बहुत बड़ा झूला ऊपर से आ रहा है, नीचे से घूम रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से घूम रहा है। अचानक करता है पापा पापा पापा, फिर पीछे मुड़कर देखता है, झटके से अचानक देखता है तो कोई नहीं है उसके पास, कोई नहीं है बिल्कुल, खो जाता है, फिर रोता है, फिर बहुत तेज तेज रोता है, बिलक बिलक के रोता है। फिर लोग उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ के उसको वहाँ के कुछ पुलिस वाले होते हैं उन लोगों के पास लेकर जाते हैं, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके पास लेकर जाते हैं कुछ लोग उस बच्चे को पकड़ के। बहुत रोता है वहाँ पर, बोलता है मुझे पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है, मुझे पापा चाहिए, पापा चाहिए, पापा चाहिए। फिर उसके बाद जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, पुलिस वाले होते हैं, वहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं और जो वहाँ पर सिक्योरिटी कर रहे होते हैं, तो वो लोग बोलते हैं बेटा चिंता ना कर, तेरे पापा यहीं आएंगे तेरे पापा, चिंता मत कर बेटा तू यहीं आएंगे, रो मत। अच्छा क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए, झूला झूलना है। मना करता है, नहीं मेरे को पापा चाहिए, गन चलानी, गन देखो वो गन, अरे फ्री में। मना करता है, नहीं मेरे को पापा चाहिए, गन्ने का जूस पीना है, नहीं मेरे को पापा चाहिए, और बुढ़िया के बाल खा रहे, नहीं मेरे को पापा चाहिए, गन चलानी है,
वो लाल लाइट वाली बंदूक लेनी, बंदूक नहीं 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 मेरे को पापा चाहिए, पापा चाहिए, पापा चाहिए। उसको ना कुछ नहीं चाहिए उस समय, जब उसके पास उसके पापा थे ना, उसके पास उसके पापा थे, लेकिन उसके पापा के पास पैसे नहीं थे, ये बच्चा नहीं जानता था। वो फिर से उसका मन कभी किसी चीज पे कभी किसी चीज पे लग रहा था, और जब उसके पापा उससे दूर हो गए तो जो चीज उसको पैसों में खरीदने के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी वो चीज उसको फ्री में मिलने लग गई। लेकिन फिर भी नहीं चाहिए उसको, फिर भी नहीं चाहिए। पता आज इंसान के पास सब कुछ है, बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, सब कुछ है इंसान के पास। डॉक्टर भी कहता है ना, अब तो नहीं हो सकता, अब तो ले जाओ इसको, हमारे बस की नहीं है। हम सबके पास सब कुछ है, हम सब धन दौलत रोटी कपड़ा मकान सब पा लेते हैं, लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है पापा। परमेश्वर मिसिंग है आज हमारे पास, वो हमारा पापा, पापा मिसिंग है आज हमारे पास, हमारे पास नहीं है वो आज। हम उसको जरूरत के समय पर पुकारते हैं और जरूरत के समय पर हम उसको खोजते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, एक अंधे का भी जब बुरा वक्त आता है तो वो भी आकाश की ओर आंखें उठाकर कहता है कि मेरी मदद कर खुदा। लेकिन जब तक देर हो जाती है, पिता के साथ वो रिलेशन बनाए ही नहीं ना हमने, हम तो दुनियावी चीजों को देखकर और उसके अंदर मगन होने की कोशिश करते हैं, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जब इंसान खुदा की उपस्थिति में बैठता है ना, तो उसको बहुत दर्द होते हैं, पीड़ाएं होती है, बहुत परेशानी होती है, दुख होता है। किस बात का? कि बॉडी पेन है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रभु नहीं बैठ पाऊंगा, ऐसे नहीं बैठ पाऊंगा, वैसे नहीं बैठ पाऊंगा। लेकिन अगर उसी समस्या के अंदर ही कोई भी व्यक्ति, अगर कोई बियर बार या पार्टी शॉप में जाना हो, अगर कहीं भी पाप के काम में जाना हो, तो वहां पर मजा आता है, वहां पर उसको अपनी दर्द पीड़ा परेशानी बीमारी याद नहीं रहती है। लेकिन जब खुदा की उपस्थिति में बैठते हैं ना, तो इंसान के 100 बहाने होते हैं। हमारे पास पापा मिसिंग है आज, हमारे पास सब कुछ है, लड़की है, लड़का है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, सब कुछ है, अच्छी नौकरी है, लेकिन हमारे पास पापा नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, अपने पिता के साथ अच्छा रिलेशन बनाओ, वो तुम्हें सब कुछ यूं ही दे देगा। हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है अपने गुनाहों को मेरे पास आके मान ले, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए बेटा, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए मेरी बेटी, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं, मैं तुझे अपने दिल का हाल बताना चाहता हूं, तू मुझे इस्तेमाल ना कर, तू मेरे दिल की धड़कनों को जान और सुन और समझ, देख मैं तुझे बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं ना, तुझे जब लोग दुख देते हैं ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि तू धोखा खाने के बाद, तू दुख उठाने के बाद फिर से उसी गड्ढे में जाता है, फिर से उसी गड्ढे में जाती है। जब तू एक बार ठोकर खा लेता है ना, जब तू ठोकर खा लेती है ना, तो फिर से तू उसी ठोकर को दोबारा खाने के लिए जाता है, जाती है। लेकिन कोई भी उस ठोकर से, कोई भी उस दुख से, परेशानी से कोई सीख कर मेरे पास नहीं आता है। दोबारा से अपने पाप में इंसान मजा लेता है, पाप में इंसान को मजा आता है, मजा आता है झूठ बोलने में, गाली बकने में, चुगली निंदा करने में, बुराई करने में, दुनियावी गानों पे नाचने में, लेकिन खुदा की उपस्थिति में हमसे नाचा भी नहीं जाता, खड़ा भी नहीं होया जाता, मुंह बंद करके या हाथों के बस तालियां बजाते रहते हैं, या तो अगर हमारा मुंह चलता है तो हमारा मन परमेश्वर से लगा नहीं होता है, हमारी आंखें इधर उधर टुकुर टुकुर देखती रहती हैं, किसी ना किसी को खोजते हैं हम, लेकिन कभी खुदा के साथ अच्छे से संगति नहीं करते। प्रभु आपको आशीष दे। बस पिता एक बहुत अच्छा रिश्ता चाहता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे पास सब कुछ है लेकिन पापा नहीं है, पापा नहीं है, दुनिया का बनाने वाला नहीं ना, तो सब बेकार है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।